नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दयाचंद टीसीपी टिप चैनल से। आज मैं आपको कुछ ऐसा करके दिखा रहा हूँ जो कि हर किसी के बस का नहीं है करना, और 50 साल की उम्र में तो वैसे ही शायद ही बहुत कम लोग कुछ सब कुछ कर पाते हैं। मेन है बेसिक ट्रेनिंग के बारे में आपको ये सब बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक ट्रेनिंग क्या है। और मेरा बेस अच्छा था, बचपन में किया, तो वो बुढ़ापे में भी अभी 50 साल की उम्र में भी वो सब काम आ रहा है मेरे। वही है कि बचपन का खाया हुआ जवानी बुढ़ापे तक काम आता है। वही है बचपन का जो हमने मेहनत की है, वर्कआउट किया है, वो बुढ़ापे तक भी काम आता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, जैसे अब मैं फ्लेक्सिबिलिटी को ही ले लो, आप फ्लेक्सिबिलिटी भी कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग वगैरह सब, ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं। एप्स करना है, लेग्स की स्ट्रेंथ करना है। और बेसिक ट्रेनिंग क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मेन हमारी इस गेम में काम आती है फिटनेस के लिए। अब आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अब जैसे मनीष है, मेन हमारी गेम में चिनअप्स हैं, अभी चिनअप्स करके दिखाएगा आपको। आइए, चिनअप्स क्या है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल ही होती है चीजें करनी, और यही बच्चे लगा नहीं पाते, तो मैं यही कहूंगा इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। चलो मनीष स्टार्ट करेगा। मनीष सर, यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, शाबाश, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. वेरी गुड। अभी 36 चिनअप्स इसने किए हैं। अभी 36 चिनअप्स एक 75 से 80 किलो का लड़का करे तो बहुत ही मुश्किल है, और ये इसका बेस स्ट्रॉन्ग था इसलिए इसने ये सब कुछ किया है। अब ये करण है, करण अब आपको ह्यूमन प्लैंक करके दिखाएगा, जो आज जो कि आज के लिए प्रैक्टिस कर रहा है उसकी। करिए बेटा, चलो ये इसमें पूरी है, आपकी पूरी बॉडी में, ये देखो होल्ड है, बिल्कुल सेल्फ है, रिलैक्स। अब इसमें क्या है, जानना चाहिए आपकी ह्यूमन प्लैंक करने के लिए, आपकी कमर बहुत मजबूत चाहिए, आपका कोर स्ट्रॉन्ग चाहिए, शोल्डर में जान चाहिए, फोरम में चाहिए, ओवरऑल बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ चाहिए कि आप इसको रोक सको। वजह क्या है, वजह ये है कि आप अगर बेसिक ट्रेनिंग नहीं करोगे तो जानना चाहिए। मेन मैंने जो बिगिनर्स के लिए पीछे जो बताया है उसमें आपको डंबल बारबल ये सब कुछ बताया है, ये ट्रेनिंग मैंने आपको बताई नहीं। अब यही ट्रेनिंग कितना जरूरी है यही मैं दिखा रहा हूँ आपको। उसमें क्या है, पुशअप्स है बहुत जरूरी है, जो कि बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। चिनअप्स हैं, अब ये बार डिप्स है, तो मनीष बार डिप्स करेगा, आप दिखाइए जरा। अब देखिए कितना करता है ज्यादा ज्यादा। यस मनीष, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, वेरी गुड, 48। बार डिप्स ये इतना आसान नहीं है कि 48 हर कोई कर सके, क्योंकि ये इसका बेस स्ट्रॉन्ग है, शुरू से करता रहा है। जब ये मेरे पास आया था तो इससे दो पुशअप्स भी नहीं लगते थे, लेकिन आज ये 50 बार डिप्स कर रहा है, और 50-50 इसने चिनअप्स भी किए। अभी तो थोड़ा ये ओवरवेट है, ट्रेनिंग नहीं कर रहा, तो इसलिए इसने 50 चिनअप्स किए हैं। 50 ये कर चुका है, पुशअप्स ये 100-100 लगा लेता है। अब जैसे करण है, ये देखो जरा, चल बेटा हैंड स्टैंड, ये देखो
कोशिश करो यस ये देखो हैंड स्टैंड डिप्स डंबल के ऊपर ये बहुत मुश्किल चीजें हैं जो आप सीखना चाहें तो सीख सकते हो वेरी गुड बहुत बढ़िया यस अब ये देखो अब ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि ये सीख रहे हैं अभी अब ये मैं सीख चुका हूँ मुझे पिछले 30 से 40 साल हो गए सब करते हुए 36 साल का मुझे एक्सपीरियंस है और ये चीजें मैं अभी भी करता हूँ अभी भी मैं आपको हैंडस्टैंड दिखा सकता हूँ ह्यूमन प्लैक दिखा सकता हूँ समरसॉल्ट मारी है अब हैंडस्टैंड दिखाता हूँ मैं आपको ये हैंडस्टैंड भी हो गया है अब मैं ह्यूमन प्लैक करके दिखाता हूँ आपको बहुत मुश्किल है यार लेकिन क्या हम कर रहे हैं अभी भी कर रहा हूँ और मैं ही चीज़ें सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को अभी मैं प्रैक्टिस में भी नहीं हूँ अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस शुरू किया है तो अब मैं ज़रा धीरे धीरे और फिट होना चाह रहा हूँ बाकी मैं सबको यही कहूँगा कि यार बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आप बेस को स्ट्रॉन्ग बनाइए क्योंकि आगे तक वही काम आएगा अब मैं फिर बता रहा हूँ मैं 50 साल की उम्र में चल रहा हूँ ये सब कुछ अभी भी कर रहा हूँ मैं और करता हूँ और अभी भी मैं बेंच करीब 120-130 किलो की बेंच 200 किलो के स्क्वाट ये सब कर रहा हूँ क्योंकि बेस बनाया है गुरुजी ने हमारे गुरुजी ने बेस हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कराया है कि मार ही नहीं खा सकते हम जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं हम कभी मार ही नहीं खाएंगे कुछ भी करा लो अभी मैं 100 डिप्स अभी भी मार सकता हूँ आराम से और वो भी करीब 1 मिनट के अंदर अंदर तो जितने भी मेरे बिगिनर्स बच्चे हैं दोस्त हैं सभी को ये कहूँगा कि भाई बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ सप्लीमेंट के चक्कर में मत पड़ो स्टार्टिंग में हम जाते हैं कि सप्लीमेंट दे दो सप्लीमेंट काम नहीं आएगा सप्लीमेंट से खा लोगे प्री वर्कआउट तुम खा लोगे उसके बाद क्या करोगे उसकी जान होगी तुम्हारी जान नेचुरल खत्म तो इसलिए यही कहूँगा कि भाई बेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो थैंक यू धन्यवाद